शहडोल जिले में आयोजित होने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे यात्रियों से भरी बस पलट गई। इस घटना में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर स्थानीय बीजेपी विधायक सहित जिले के कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उमरिया जिले के नेशनल हाईवे ओवरब्रिज के ऊपर टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। सीएम शिवराज सिंह के कार्यक्रम स्थल से 5 किलोमीटर पहले हुए घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य ग्रामीण घायल हो गए हैं। घायलों को उमरिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आधा दर्जन से अधिक लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना में 3 लोगों की मौत हुई है, 8 लोग उमरिया जिला अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोगों को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। अरे यहाँ एक आदमी नहीं, कितने खत्म हुए हैं? रास्ते में तो नहीं खड़ा करते, नहीं किनारे। चलो निकल चलते हैं। एक आदमी दबा है भाई। कौन है, कौन बोल रहा है? बस दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हुई है, तो उनको उन परिवारों के साथ शासन की और प्रशासन की पूरी संवेदना है, और जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से उनको सहायता करेंगे। जो घायल हैं उनका इलाज हमारे डॉक्टर्स पूरी तत्परता से कर रहे हैं, और उनको अच्छे से अच्छा इलाज हो इसकी चिंता सरकार को है। घायल 15 से 20 लोग घायल हैं अभी तक, और बाकी जो फाइनल फिगर होगा वो तो जब सबको वो हो जाएगा तब पता चलेगा। प्राथमिक कारण कुछ नहीं। प्राथमिक कारण जो अभी मुझे यहाँ बताया गया है वो यह है कि कोई 2-पहिया वाहन को बचाने के चक्कर में बस पलटी है। ये मुझे एक घायल थे, उनकी कैजुअलिटी हुई है।